ये सूत्र उपदेश का नाम क्या है? सब्बासव सूत्र। उस समय भगवान बुद्ध भंते लोगों को ये सुंदर उपदेश दे दिया। सब्बासव मतलब हर सब्बासव सर्व आश्रव, हर एक आश्रव के बारे में बताया गया सूत्र। आश्रव मतलब क्लेश गंदगी, मन में उत्पन्न होता है ना, उसको आश्रव कहते हैं। भगवान ने बताया भिक्षु अभी हम हरेक आश्रव को शांत करने के लिए कारण मैं आपको बता दूंगा, तो आप ध्यान से सुनिए, ज्ञान से मनन करके समझ लीजिए, अभी हम बता दूंगा। पांतलु बताइए जी, तथा बताइए। उन्होंने बताया आश्रव को खत्म करने के बारे में। आश्रव मतलब राग द्वेष मोह अहंकार घमंड इत्यादि मन में उत्पन्न होने वाली गंदगी को उन्होंने बताया। ये आश्रव को खत्म करने के बारे में हम बताते हैं जानने वाले व्यक्ति को तथा देखने वाले व्यक्ति को, ना कि नहीं जानने वाले व्यक्ति को, नहीं देखने वाले व्यक्ति को। किन किन को बताते हैं? जानने वाले व्यक्ति को तथा देखने वाले व्यक्ति को। क्या जानने वाले, क्या देखने वाले व्यक्ति को आश्रव खत्म होता है? क्या जानने वाले, क्या देखने वाले व्यक्ति से आश्रव खत्म होता है? योनिसो मानसिकार तथा अयोनिसो मानसिकार, ये दोनों के बारे में जानने वाले, देखने वाले व्यक्ति को ही आश्रय खत्म हो जाता है। वाह, योनिसो मानसिकार के बारे में जो जान जाता है, जो देख लेता है योनिसो मानसिकार के बारे में, वही सिर्फ आश्रय खत्म कर सकता है। क्यों? योनिसो मानसिकार मतलब क्या है? भगवान बुद्ध की ज्ञान के अनुसार मनन करना योनिसो मानसिकार है। योनिसो मानसिकार से राग उत्पन्न नहीं होता है, क्रोध उत्पन्न नहीं होता है, मोह उत्पन्न नहीं होता है, अहंकार घमंड इत्यादि गंदगी उत्पन्न नहीं होता है योनिसो मानसिकार से। लेकिन अयोनिसो मानसिकार से हमेशा गड़बड़ है ना, हमेशा अयोनिसो मानसिकार से बहुत दुख परेशान है, गुस्सा क्रोध नफरत लालच प्यार, ये सारी चीज अयोनिसो मानसिकार से उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा ऐसा है तो हम लोगों को बुद्ध शासन में निर्वाण की ओर जाना चाहेंगे तो सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज का? योनिसो मानसिकार। ऐसा है तो भगवान ने कहा योनिसो मानसिकार के बारे में तथा अयोनिसो मानसिकार के बारे में जानने वाले, देखने वाले व्यक्ति को ही आश्रव गंदगी नष्ट हो जाता है, बाकी को नहीं। कहीं आप रास्ता पे मार्केट में जाने के बाद कोई एक फोटो देख लिया, कोई सुंदर फोटो देखने के बाद उस वो फोटो आँख से रूप देख करके फिर आँख से हम लोग आप आँखों में आसक्त हो गया तो रूप में भी आसक्त हो जाएगा, आँख पकड़ लिया तो रूप भी पकड़ लेंगे। इसके बाद उसी रूप को पकड़ के हम लोग आ रहे हैं, रूप लेके आ रहे हैं ना, उठा के नहीं, उसको याद लेके आ रहे, पकड़ के लेके आ रहे हैं। फिर हम लोग उसके बारे में सोचते हैं कितना सुंदर आंखें, कितना सुंदर गाल था, घोरा था, अच्छा था। ऐसा करके उसी रूप के बारे में सोचने से उसको कहता है अयोनिसो मानसिकार, राग उत्पन्न होता है। आश्रम में रहने वाले कोई किसी के बारे में हम लोग मन में आता है कितना सुंदर है, अच्छा आंखें सुंदर है,
बहुत प्यारा बातें हैं, बहुत प्यार लगता है, ऐसे करे कि सोचेगा तो वो क्या है, आयो नि सुमन शिकार, इसका पता नहीं चलता प्यार उत्पन्न होता है। इसीलिए देखिए कोई भी बच्चा एक दूसरा बच्चा से दो तीन दिन तक मिल के काम करिए, चौथे दिन से दोनों साथी हो गए, क्यों? आयोनिष मनसिकार है, योनिष मनसिकार है तो एक महीना काम करेगा, फिर भी कमल के पत्ता पे रहने वाले पानी जैसा प्यार उत्पन्न नहीं होता है, मात्र मित्र है, रहेगा फिर कोई दर्द नहीं है, है ना। आयोनिष मनसिकार और योनिष मनसिकार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा तथागत, भिक्षु जो उत्पन्न नहीं हुआ है वैसा आश्रम वैसा गंदगी भी आयोनिष मनसिकार से ही उत्पन्न होता है। अभी आप लोग बच्चे हैं ना, अभी आप लोगों का मन में बहुत प्रकार की गंदगी अभी तक आया नहीं, अब तक आप लोग फ्रेश पवित्र हैं, लेकिन आप लोग बड़ा होते होते, शरीर बड़ा होते होते, उम्र 15-16 होते होते नया नया गंदगी उत्पन्न होता है ना, वो सारी गंदगी आयोनिष मनसिकार से ही उत्पन्न होता है उम्र के साथ। और उन्होंने कहा अभी अपना मन में आश्रव गंदगी है, वो गंदगी क्या होता है आयोनिष मनसिकार से? नष्ट होता है। आयोनिष मनसिकार से बढ़ जाता है, योनिष मनसिकार से नष्ट। लेकिन जो व्यक्ति योनिष मनसिकार करते रहता है उसको अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ वैसा आश्रव उत्पन्न हो जाएगा नहीं उत्पन्न मन में आएगा नहीं, आ नहीं सकता है, क्योंकि योनिष मनसिकार में रहता है। दूसरा, योनिष मनसिकार में रहने वाले व्यक्ति का मन में जो कुछ गंदगी है वो भी खत्म हो, उसको आश्रव कहता है ना, उसी आश्रव भी खत्म हो जाता है, नष्ट होता है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया बहुत सुंदर, कोई कोई प्रकार का आश्रव है वो खत्म करना पड़ेगा दर्शन से, कोई कोई आश्रव है वो मिटाना पड़ेगा दर्शन से। ये सारी चीजों के लिए क्या जरूरत है? योनि सुमन शिकार और गंदगी बढ़ने के लिए योनि सुमन शिकार, पूरा सूत्र के लिए वो एकदम शुरू में भगवान बुद्ध ने दिखाया ना। इसके बाद उन्होंने कहा कोई कोई आश्रव है वो खत्म करना पड़ेगा दर्शन से, और कोई आश्रव है वो खत्म करना पड़ेगा संयम से, संयम मतलब शांति से, शांत संयम करने से, अपना इंद्रिय संयम से, और कोई आश्रव है वो खत्म करना चाहिए ज्ञान इस्तेमाल करके, दिमाग इस्तेमाल करके, ज्ञान की ज्ञान से मनन करके, ज्ञान इस्तेमाल करके, दिमाग इस्तेमाल करके खत्म करना चाहिए, और कोई आश्रव है वो खत्म करना चाहिए वीर्य करके सहनशीलता से, वीर्य करके सहनशीलता से, सहनशीलता के लिए वीर चाहिए ना, सहन करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, उसी वीर्य से किए हुए सहनशीलता से खत्म करना चाहिए। और कोई आश्रव है वो खत्म हो जाता है हटा देने से, यही आश्रव खत्म होता है हटा देने से। और कोई आश्रव है वो आश्रव खत्म करना चाहिए दूर करके खत्म करना चाहिए। और आश्रव है वो आश्रव खत्म करना चाहिए समथ एवं विपस्सना से, समथ एवं विपस्सना भावना से वही आश्रव खत्म करना चाहिए। पहला आश्रव क्या है? दर्शन से खत्म करना चाहिए। और कोई है? दूसरा संयम होने से खत्म करना चाहिए। और है दिमाग इस्तेमाल करके ज्ञान से मनन करके खत्म करना चाहिए। और है वीर से उत्पन्न हुए
सहनशीलता से खत्म करना चाहिए और कोई है हटाना चाहिए, हटा के खत्म करना चाहिए और कोई खत्म करना चाहिए दूर करके और कोई खत्म करना चाहिए समतल एवं विपासना ध्यान से। देखिए तो हम लोग को अच्छी तरह समझ में आता है सिर्फ ध्यान करने से नहीं होता है ये गंदगी का अंत, ध्यान करने से नहीं होता है। खूबसूरत सूत्र है, बहुत सुंदर ये सूत्र, हमको जिस दिन सुन लिया उसी दिन हमको बहुत मजा आया इस सूत्र सुन के। उन्होंने कहा भिक्षु दर्शन से खत्म करने वाले आश्रय क्या है, ये आश्रय के बारे में बता देंगे तो अश्रुतवान पृथक जन के बारे में भी जानना चाहिए। दर्शन से खत्म करने वाले आश्रय के बारे में जानना चाहेंगे तो पृथक जन के बारे में जानना चाहे। पृथक जन कौन है? आर्य लोगों को पहचानता नहीं। आर्य कौन है? तथागत भगवान बुद्ध और उनका शिष्य। आर्य लोगों को पहचानता नहीं, आर्य धर्म को समझने में तेज नहीं है। आर्य धर्म क्या है? जो भगवान बुद्ध ने बताया, आर्य धर्म पे वो दमन नहीं होता है, सुधरता नहीं। इसके बाद सत्पुरुष लोगों को पहचानता नहीं, धर्म के रास्ते पे जाने वाले भगवान बुद्ध इत्यादि सत्पुरुष लोगों को पहचानता नहीं। सत्पुरुष धर्म भी समझने में तेज नहीं है, सत्पुरुष धर्म में सुधरता भी नहीं। इसीलिए अश्रुतवान पृथक जन हमेशा गलत चीज को पकड़ के रहता है ना, उसको सही चीज कभी पकड़ नहीं सकता है, कमजोर है वो। इसीलिए हमेशा वो जानता नहीं है क्या ज्ञान से मनन करना चाहिए, क्या क्या योनि से मनसिकार करना चाहिए, उसके बारे में वो जानता नहीं है। क्या मनन नहीं करना चाहिए वो भी उसको पता नहीं है। ज्ञान से मनन करने वाली चीजों के बारे में भी जानता नहीं, ज्ञान से मनन नहीं करने वाली चीजों के बारे में भी जानता नहीं। ऐसे हो कि जो कुछ मनन नहीं करना चाहे वही मनन करता है, जो मनन करना चाहिए वो मनन नहीं करता है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया यहाँ ये पृथक जन व्यक्ति मनन नहीं करना अच्छा है, फिर भी क्या क्या मनन कर रहता है, जो मनन नहीं करना चाहिए वही मनन करता है ना, क्या है वो? उन्होंने कहा जो कुछ मनन करने से अभी तक अपना मन में उत्पन्न नहीं हुआ काम आश्रव, वही काम आश्रव उत्पन्न होगा तो तथा अभी तक उत्पन्न हुआ काम आश्रव वो काम आश्रव बढ़ेगा तो। काम आश्रव मतलब क्या है? पंच काम के बारे में, पंच काम के बारे में मतलब ये सब कुछ काम आश्रव है ना, खान पान रहन सहन सब पंच काम है, पंच काम के बारे में। इसके बाद वो मनन करने से क्या उत्पन्न होता है? कामाश्रय बढ़ता है अपने पास से, अभी तक अपने पास उत्पन्न नहीं हुआ वो कामाश्रय उत्पन्न होता है। आप लोग बड़ा होते होते लड़की का बारे विचार आ जाएगा, जो उत्पन्न नहीं हुआ वो कामाश्रय आ जाता है ना, क्यों होता है? अयोनिसु मनसिकार से, समझ गया ना, योनिसु मनसिकार में रह गया तो प्रॉब्लम नहीं, बच पाएगा हर एक खतरा से। इसके बाद भावाश्रव, भावाश्रव मतलब क्या है? हमको ये संपत्ति और मिल गया तो अच्छा है, अगले जन्म भी हमको देवलोक में गया तो अच्छा है, अगले जन्म बहुत सुख चाहिए, ऐसे करके जन्म जन्म जाने के लिए बहुत पसंद करता है। कोई कोई लोगों को मामी पापा बोलता है, लोग कहता है ऐसा मामी पापा जन्म जन्म में चाहिए,
उन लोग सोचते हैं ऐसा बेटा बेटी हमको हर एक जन्म में चाहिए। ये भावाश्रव है, पहला काम आश्रव, इसका भावाश्रव भावबंधन। ऐसा आश्रितन पृथक जन क्या होता है, भाव आश्रव अभी अपना पास है वो बढ़ जाता है, अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ तो वो उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद अविद्या आश्रव, अविद्या आश्रव मतलब जो सत्य मालूम नहीं, अंधकार में है मन, आर्य सत्य भगवान बुद्ध जो बताया गया सत्य के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, अविद्या के बारे में और मन अविद्या में चल जाता है। अभी तक जो गहरी गहरी अविद्या के कारण उत्पन्न नहीं हुआ वो क्या होता है, मन में उत्पन्न हो जाता है, मन में जो है बढ़ता है, जो नहीं वो उत्पन्न होता है। अश्रुतान पृथक ज्ञान उसी प्रकार मनन करते रहता है। लेकिन मनन करने करना पड़ेगा फिर भी वो मनन नहीं करता है, वही वो क्या कारण है, वो उसका उल्टा क्या है, काम आश्रव। अपना पास जो काम आश्रय वो खत्म होगा तो, और जो नया काम आश्रय वो अभी तक आया नहीं, उसको रोकने के लिए जो मनन करना चाहिए वो मनन नहीं करता है। पृथक्जन भावाश्रय के बारे में मनन करता है, कैसे भावाश्रय के बारे में मनन नहीं करता है, कैसा भावाश्रय, अभी अपना पास वो खत्म होने के लिए और नया भावाश्रय उत्पन्न नहीं होने के लिए ऐसा वो मनन नहीं करता है। अविद्या आश्रय जो अपन भाव से वो खत्म होने के लिए, नया अविद्या आश्रय उत्पन्न नहीं होने के लिए वो मनन नहीं करता है। अश्रुतान पृथक्जन इसीलिए वो जो से मनन नहीं करना चाहे वही मनन करता है, जो मनन करना चाहिए वो मनन नहीं करता है। समझ में आ गया है, हमेशा अश्रुता पृथक ज्ञान लोग गंदगी उत्पन्न होने के बारे में मनन करते रहता है। आप लोग मम्मी पापा पृथक ज्ञान है ना, उन लोग कैसे क्या मनन करते हैं हमेशा पता है ना, वो समाज के लोग जैसा रहते वैसा। इसके बाद अश्रुता पृथक ज्ञान आयोनिसो मनसिकार में रहता है। कैसे आयोनिसो मनसिकार में रहता है ये देखिए कैसे है, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम है। वो सोचता है पहले हम थे या नहीं, क्या हम पहले थे, क्या हम पहले नहीं थे, पहले हम हुआ तो क्या बन के रह गया, पहले पिछले जन्म जन्म में किस प्रकार हम पिछले जन्म जन्म में रह गया, कौन कौन बन के हम पिछले जन्म जन्म में रह गया, ऐसा विचार उत्पन्न होता है किस पे, अश्रुतवान पृथक ज्ञान का मन में। इसके बाद फिर सोचता है भविष्य में हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, भविष्य में हम कौन बन के रहेगा, भविष्य में हम किस प्रकार रहेगा, अगले जन्म जन्म में भविष्य में हम कौन कौन बन के रहेगा अगले जन्म जन्म, वर्तमान के बारे में भी वो सोच के रहता है, वो कैसा है, ये कैसा है, यही प्रकार है, और सचमुच में हम हैं या नहीं, मैं कौन हूँ, मैं किस प्रकार के हूँ, सचमुच में ये प्राणी आदमी कहाँ से आया, फिर कहाँ से जाएगा, इसी प्रकार सोच के रहता है कौन, पृथक्जन लोग। ये पृथक्जन उसी प्रकार गलत ढंग से मनन करते रहते समय ये छह प्रकार की दृष्टि में से कोई ना कोई दृष्टि उसका मन में उत्पन्न होता है, छह प्रकार की दृष्टि उसमें से इसी प्रकार मनन के, किसी प्रकार भूतकाल के बारे में, अतीत भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में सोच, डाउट है ना, ऐसा कोई मतलब है क्या, नहीं, ऐसा मनन करते रहने से छह प्रकार की दृष्टि है उनमें से एक में ये घुस जाता है। वो सोचता है
मेरे पास आत्मा है, उसको ये उत्पन्न होता है, आत्मा एकदम स्थिर फिक्स है, एकदम सत्य है, मेरे पास आत्मा है। पहला। दूसरा दृष्टि है उसका मन उत्पन्न होते है, मेरा आत्मा खत्म हो जाएगा, मेरा आत्मा खत्म होने वाला, खत्म हो जाएगा, ये सत्य है, इधर स्थिर है। दूसरा। तीसरा है, आत्मा से ही मैं आत्मा को पहचानता हूँ, आत्मा से ही मैं आत्मा को पहचानता हूँ, ये सत्य है, स्थिर है, या उसमें घुस जाता है, या तो फिर वो चौथा में घुस जाता है, वो क्या है, जो आत्मा नहीं है वो हम पहचानते हैं आत्मा से, उसी पे घुस जाता है, जो आत्मा नहीं है वो हम आत्मा से पहचानता है, या तो फिर पंचमा दृष्टि में वो घुस जाता है, हम आत्मा को पहचानते अनात्मा से। छठा दृष्टि है जो बातचीत करता है, सुख दुख मिलता है, वो सब में आत्मा है, हर जगह पे जो कुछ कर्म करता है वो सब कुछ मिल जाता है, आत्मा से ही मिल जाता है, मेरा पास जो आत्मा है वो नित्य है, स्थिर है, सदाकालिक है, बदलता नहीं, हमेशा हमेशा रहता है। इसी प्रकार ये चाटा है, चाटा में से एक में घुस जाता है पृथक्जन, इसीलिए सभी लोग आत्मा में घुसा हुआ है ना, आत्मा परमात्मा, मेरी आत्मा, तेरा आत्मा, आत्म की शांति, बहुत प्रकार की आत्मा पकड़ के रहता है लोग, इसका मतलब सब पृथक्जन लोग है ना, इसको कहता है दृष्टि में फंसा फंस के रहता है, इसको कहता है दृष्टि रेगिस्तान है, इसको कहता है दृष्टि रेगिस्तान, दृष्टि का फजाया हुआ चाकू, दृष्टि का चाकू, इसको कहता है दृष्टि का कंपन, इसको कहता है दृष्टि बंधन। इतना बात क्यों बताया, उसी प्रकार बंधन हो जाता है, कुछ भी बताए जीवन भर उसको समझाइए समझ नहीं पाएंगे, आप जा करके दूसरा धर्म के रहने वालों को समझाने के लिए कोशिश करिए, नामुमकिन, क्यों, उस पे घुस के लपेट के बंधन हो के पूरा अंदर तक घुसा हुआ है, इसलिए उसको समझ में आता है ये सत्य है, परम सत्य है, स्थिर है, ये तो गलत नहीं है, ये समझ में आता है। भगवान बुद्ध बताया पृथक्जन इसी प्रकार दृष्टि बंधन के साथ मिल के रहने के कारण जन्म से मुक्त नहीं होता से होता है, जरा मरण से मुक्त नहीं होता है, अफसोस, दुख, रोना, शारीरिक दुख, मन का दुख, पछताव इत्यादि दुख से मुक्त नहीं होता है कभी भी, ये व्यक्ति कभी भी कोई भी दुख से मुक्त नहीं होते, ऐसा कहना चाहिए, ऐसे भगवान बताए। अभी जान गया श्रुतवान पृथक्जन के बारे में, भगवान ने बताया श्रुतवान आर्य श्रावक है, आर्य कौन है, भगवान श्रावक मतलब शिष्य, भगवान बुद्ध की रास्ता पे जाने वाले व्यक्ति को कहता है आर्य श्रावक, आर्य श्रावक आर्य लोगों को पहचानता है, भगवान बुद्ध को पहचानता है, आर्य धर्म को समझने में तेज है, ज्ञान की बात, भगवान बुद्ध की ज्ञान की बात बता देंगे तो पकड़ लेता है, उनका मन में उत्पन्न होता है ये सत्य है, झूठ नहीं, आर्य धर्म पे वो सुधरता है, कैसे, सील पालन करता है, ध्यान करता है, मन को पवित्र करके रखने के लिए कोशिश करता है, इसके बाद सत्पुरुष लोगों को पहचानता है, सत्पुरुष कौन है, भगवान बुद्ध इत्यादि ज्ञान बताने वाले कल्याण मित्र लोग, गुरु लोगों को पहचानता है,
सत्पुरुष धर्म को समझने में तेज होता है। सत्पुरुष लोग का भी कुछ बताएगा तो वो ज्ञान समझने में बहुत तेज होता है। सत्पुरुष धर्म में वो सुधर जाता है। ठीक है, ये श्रुतवा नार श्रावक क्या मनन करना चाहिए वो जानता है, क्या मनन नहीं करना चाहिए वो भी जानता है, क्या मनन करना अच्छा है वो भी जानता है, क्या मनन करना अच्छा नहीं है वो भी जानता है। इसीलिए ये आर्य श्रावक जो मनन करना चाहे सिर्फ वही मनन करता है, जो कोई मनन नहीं करना चाहे वो मनन नहीं करता है। जो कुछ मनन नहीं करना चाहेगा तो वो क्या है, जो कुछ मनन करने से मनन जो कुछ मनन करने से कामाश्रय उत्पन्न होगा तो भावाश्रय उत्पन्न होगा तो अविद्याश्रय उत्पन्न होगा तो ऐसा चीज ये आर्य श्रावक मनन नहीं करता। हाँ, जैसे कि मन में गंदगी उत्पन्न होगा तो वो चीज मनन नहीं करता है। क्या मनन करता है, जो चीज से कामाश्रय भावाश्रय अविद्याश्रय यानी कि कोई जो कुछ गंदगी मन में उत्पन्न नहीं होगा तो मन से खत्म हो जाएगा तो गंदगी वो चीज मनन करते रहता है। कौन? आर्य श्रावक। इसी प्रकार मनन करने से आर्य श्रावक का मन में जो गंदगी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती रहता है, नया प्रकार की गंदगी उत्पन्न नहीं होता है। इसके बाद आर्य श्रावक को धीरे धीरे समझ में आता है ये है दुख, दुख के बारे समझ में आता है, उसके बारे मनन करता है, ये है दुख उत्पन्न होने का कारण, तृष्णा के बारे में समझ लेता है, ये है दुख का नाश, दुख का नाश के बारे में भी समझ लेता है, ये है दुख नाश करने का मार्ग, आर्यांगिक मार्ग के बारे में मनन करके समझ लेता है। इसी प्रकार अपना ज्ञान बढ़ाने के बारे में मनन करते रहने के कारण संसार की संसार पे बंधन होने वाले तीन प्रकार की बंधन आर्य श्रावक से टूट जाता है, खत्म हो जाता है। वो क्या तीन बंधन है? एक है सक्काय दिट्ठि, मेरा है मैं मेरा आत्मा। दूसरा है सील में विचिकिच्छा, विचिकिच्छा मतलब भगवान बुद्ध और उनका ज्ञान के बारे में संदेह। तीसरा है सीलबद्ध परामर्श यानी कि गलत गलत सील व्रत, गलत व्रत है ना, ये सब हट जाता है, गलत मार्ग अपनाता नहीं। इसका मतलब वो कौन है? सोतापन, सोतापन हो गया है। देखिए योनिसो मनसिकार से सोतापन होता है ना, योनिसो मनसिकार से। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बताया दर्शन से खत्म करने वाले आश्रव हैं, यही है दर्शन से खत्म करने वाले आश्रव, सही दर्शन, गलत दर्शन से नहीं, समझ के अभी दर्शन से खत्म करने वाला आश्रव। फिर भगवान बुद्ध ने बताया संयम होने से खत्म करने वाला आश्रव क्या है, शांत होने से, संयम होने से खत्म करने वाले आश्रव है। भगवान ने कहा मेरा शासन में आए हुए भिक्षु है वो क्या करता है, आंख नाम का इंद्रिय शांत करके रहता है, अच्छे से समझ के दिमाग समझ के आंख शांत करके रहता है। अगर आंख अशांत हो गया तो बहुत सारे पीड़ा दर्द दुख परेशान उत्पन्न होता है ना,
इसीलिए ये सबको मीठा कि वो आंख शांत करता है, शांत करके रहने के कारण उसको मन में कोई पीड़ा दुख दर्द वेदना नहीं उत्पन्न होता है। इसीलिए वो आंख शांत करता है। आंख कैसे शांत करता है पा मालूम हो गया ना? आंख आप लोग शांत करने आता है, रूप देखता है ना बहुत सारे, आश्रम में तो प्रॉब्लम नहीं, आश्रम में भी हर जगह भी रूप देखता है। वो रूप देखने के बाद आपको कोई मन में गड़बड़ नहीं आना चाहिए, मन भटकना नहीं चाहिए, उस पर मन आसक्त नहीं होना चाहिए, मन सुरक्षा करके रखना चाहिए। वो है शांत करने के कारण खत्म करने वाले आश्रम। इसके बाद कान, कान शांत करता है। अगर कान अशांत हो गया तो बहुत दुख दर्द पीड़ा पछताव चिंता सब कुछ उत्पन्न होता है। कान अशांत हो गया तो, कान अशांत होता है मतलब क्या है, कुछ भी सुन लिया तो पकड़ लेता है, कोई डांट दिया तो दुख आता है, गाली दिया तो दुख आता है, अच्छा सुंदर गाना सुन लिया तो आवाज लिया तो राग उत्पन्न होता है, आसक्त होता है ना। इसीलिए वो क्या करता है आर्य श्रावक भगवान बुद्ध के शिष्य लोग कान शांत करता है। इसके कारण दुख दर्द पीड़ा उत्पन्न नहीं होता है। इसके बाद वो क्या शांत करता है, नाक। नाक अशांत हो गया तो क्या होता है, दुख दर्द पीड़ा सब उत्पन्न होता है। नाक अशांत हो गया तो कोई इधर फाद दिया तो लंबी चौड़ी करके आवाज निकाल के हाथ जैसे फूंक करके दस दिन लगा के बिना दस दिन तक के कान करके तुरंत अभी निकाल दिया तो सब कुछ शुद्ध के साथ टैक्स के साथ सभी लोग को ज्ञान याद आएगा। शुरू से बताए सारे ज्ञान भूल जाएगा, एक एक करके सारी चेहरा देखेगा, यही लगता है, यही लगता है, यही लगता है। नाक में गंध आ गया तो उसी परेशान दर्द है ना, कि मन नाक अशांत है। कोई सुगंध आ गया, कोई सुगंध सेंट आ गया तो कहाँ से मिलता है, कौन सा दुकान से मिलता है, कौन सा फूल का है, कहाँ से आ गया, क्या साबुन से आ गया, क्या क्रीम से आ गया, बहुत परेशान। फिर अपना 2-3 रुपया वो खर्च करके लेने के लिए कोशिश करता है क्रीम को। इसका मतलब नाक अशांत हो गया तो दुख दर्द ज्यादा है, इसलिए नाक को शांत करता है। शांत किया तो इधर आकर के जंगली कुत्ता बिल्ली से यार आकर के अपना पाद निकाल दिया था भी कोई परेशान नहीं। हाँ ये तो अनित्य होने वाले गंध है, जंगल है, ऐसे करके नाक शांत करता है। इसके बाद जीभ शांत करता है। कैसे, जीभ अशांत हो गया तो बहुत दुख दर्द परेशान है ना, खाना ठीक नहीं, खराब लगता है, अच्छा नहीं है, कौन बनाया, आज खाने का मन नहीं, भूख लगता है, मुंह में डालता है अंदर घुसता नहीं है, इसका मतलब खाना खराब है। इसका मतलब क्या है, जीभ अशांत है, इसीलिए दुख परेशान दर्द है, बहुत चिंता है। जाएंगे रिफ्यूज मांगर से कहेंगे, स्त्री से कहेंगे, घर से कहेंगे, उधर से कहेंगे, ये आज ये मिल गया तो अच्छा है, बहुत परेशान। जीव अशांत है, जीव शांत हो गया तो ऐसा नहीं, सारे दुख दर्द परेशान दूर होता है, खत्म हो जाता है। ऐसे समझ के वो जीव को शांत करता है, संयम करता है। शरीर शांत नहीं हुआ तो
बहुत परेशान है ना, शरीर शांत नहीं है, तो अभी गर्मी लगता है, बर्दाश्त नहीं हुई, अभी ठंडा लगता है, आरी उड़ना चाहिए, अभी धूप लगता है, पंखा चालू किया जाता है, कहाँ है, कहाँ से हवा आएगा, थोड़ा सा हवा आ गया, हाँ नहीं नहीं फिर रुक गया, लगता है पर्दा के कारण रुक गया, बहुत परेशान। एक पैसा जैसा भी कीमत नहीं मानना चाहिए शरीर का सुख के बारे में, सोचना चाहिए ये गर्म क्या है, नरक में मिलने वाले गर्म के सामने, ये तो हम लोग मारता नहीं इसी गर्म से, इसीलिए हमेशा ऐसे करते रहता है, लगता है ये देवलोक से आ गया है, माँ का पेट से नहीं निकला, देवरानी का पेट से निकल गया है, इसीलिए बर्दाश्त करना मुश्किल है। इसीलिए शरीर अशांत हो गया तो बहुत दुख दर्द पी रहा है ना, जरा सोचिए, ये समझ के श्रावक लोग भगवान बुद्ध की शरीर को शांत करता है, संयम करता है, इसके बाद मन अशांत हो गया तो हम आपको मन के बारे में बताया, ये मन में बहुत प्रकार के विचार उत्पन्न होती है, अरहंत लोग का मन में भी गंदगी विचार आते रहता है, लेकिन अरहंत लोग उसी गंदगी विचार को पकड़ता नहीं है, हम लोग का मन में भी गंदगी विचार आता है, और अरहंत लोग का मन में हम लोग कौन है, फर्क क्या है, हम लोग पकड़ता है, ये मन मन एकदम नदी जैसा हमेशा आते रहता है विचार, हम लोग उसी विचारों में फंस जाता है, क्यों, आत्मा पकड़ लिया, आत्मा पकड़ लिया, ये मन मेरा है, ये मन में आने वाले विचार भी मेरा है, इसे पकड़ के रहता है, इसीलिए श्रावक लोग क्या करता है, मन को शांत करता है, शांत मन शांत होने के कारण दुख दर्द पीड़ा तकलीफ सारे परेशान उत्पन्न नहीं होता है। इसीलिए अगर अशांत हो गया तो जिसको अशांत होने के कारण दुख दर्द पीड़ा परेशान उत्पन्न होता है, वो सारे आश्रय शांत होने के कारण खत्म हो जाता है, च इंद्रिया को, इसको कहता है शांत होने से नष्ट करने वाले आश्रव, समझ गया ना, शांत होने से क्या शांत करना चाहिए, इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया इस्तेमाल करने से ज्ञान से मनन करके खत्म करने वाले आश्रव क्या है, इस्तेमाल करने से ज्ञान से मनन करके खत्म करने वाले आश्रव क्या है, यहाँ बुद्ध शासन में आए हुए भंते जी को चीवर मिलता है, वो चीवर इस्तेमाल करता है, आप लोग भी कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए इसी प्रकार, कैसे, हम ये इस्तेमाल करते हैं ठंडा से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, मक्खी से, मच्छरा से, धूप से, हवा से, सांप से, कष्ट परेशान से बचने के लिए, जहाँ शर्मिंदा जगह है वो सब जगह बंद करने के लिए हम ये कपड़ा पहनते हैं, चीवर वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार इस्तेमाल करने से ज्ञान से मन कर खत्म करना चाहिए, नहीं है तो उत्पन्न होता है नया स्टाइल आ जाएगा, इसके बाद अपना वस्त्र के बारे में संतुष्ट नहीं होगा, बहुत परेशान है ना, इसके बाद भोजन करता है, इसी प्रकार हम ये भोजन करते हैं शरीर बॉडी बना के खेलने के लिए नहीं, शरीर का हिम्मत दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, जहाँ था पतला जगह है उसी जगह मान से भराने के लिए नहीं, सुंदर होने के लिए नहीं, ये शरीर को ले जाने के लिए, जीवन बिताने के लिए, थकावट दूर करने के लिए,
हम अभी कोई जीवन बिताते सील समाधि प्रज्ञा से, उसी जीवन को संपूर्ण करने के लिए हम ये भोजन करके पुरानी भूख को खत्म करते हैं, नया भूख को आने नहीं देते हैं। आराम से हमको जीवन बिता सकता है, कोई तकलीफ नहीं। अच्छे से बैठो। इसके बाद कोई कुटिया कमरा घर इस्तेमाल करेगा तो इसी प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए। हम ये कुटिया में आए हैं ठंडा से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, मक्खी मच्छर धूप हवा सांप इत्यादि बारिश इत्यादि कष्ट परेशान से बचने के लिए। ये कालगुनी यानी कि पर्यावरण से आने वाले सारे परेशान से बचने के लिए, आराम से ध्यान साधना करने के लिए हम ये कुटिया इस्तेमाल करते। कराटा मारने के लिए नहीं, पानी खाने के लिए नहीं। ये तीसरा। चौथा है, हम ये गिलान प्रत्यय दवा, हम ये चाय वगैरह इस्तेमाल करते हैं शरीर का दुख दर्द हटाने के लिए, बीमारी सब मिटाने के लिए, बिना पीड़ा से रहने के लिए, शरीर का दुख दर्द हटाने के लिए, बीमारी सब मिटाने के लिए, बिना पीड़ा से आराम से रहने के लिए हम ये दवा चाय जूस वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार जो इस्तेमाल करता है वो ज्ञान से मनन करके इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोग भी कपड़ा पहनने से समझना चाहिए हम ये कपड़ा क्यों पहनते हैं। आप लोग भी भोजन करते समय समझना चाहिए क्यों हम भोजन करते हैं। आप लोग भी चाय जूस वगैरह पीते से मन में आना चाहिए। ऐसा हो गया तो हम ये नहीं पियेंगे, खराब लगता है, ऐसा विचार आएगा? ये योनि से, ये ज्ञान से मनन नहीं करने से प्रॉब्लम। ज्ञान से मनन करेंगे तो आपको नीम का जूस भी पी सकता है। नीम का जूस छोड़िए, सरबत नहीं पीता है आप लोग? कुछ कसा डाल बहुत खराब लगता है। क्यों? आयो नहीं सुमन शिकार, आयो नहीं सुमन शिकार करके पीता है ना, वो सब क्या है? आयो नहीं सुमन शिकार। कोई खाना बना दिया तो ना हम ये नहीं खाएंगे, टेस्ट नहीं है। क्या है इसमें खाने के लिए? आयु नहीं सुमन शिकार। ये खपड़ अच्छा नहीं लगता है, गर्मी लगता है, सुंदर नहीं लगता है देखने में। आयु नहीं सुमन शिकार। इसके बाद ये जगह अच्छा नहीं है, दूसरा जगह मिल गया तो अच्छा रहने के लिए। ये कुटिया पर हमको सोने का जगह अच्छा से नहीं मिलता, आयु नहीं सुमन शिकार। अभी जान लीजिए ये सब कुछ आयोनिष मनसिकार योनिष मनसिकार के ऊपर डिपेंड होता है ना। तो आप लोग कोशिश करें ना हमेशा योनिष मनसिकार में रहने के लिए। योनिष मनसिकार में रह जाएंगे तो आप खूबसूरत हो जाएंगे। आयोनिष मनसिकार में रहेंगे तो एकदम आप अलग प्राणी बन जाएंगे। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बताया इसी प्रकार जो कुछ इस्तेमाल करता है उसी में योनि सुमनसिकार करेंगे तो इस्तेमाल करने वाली चीज़ों में से योनि सुमनसिकार करेंगे तो मन की गंदगी पीड़ा तकलीफ प्रश्न सब खत्म हो जाता है। इसको कहता है इस्तेमाल करने से ज्ञान से मनन करे खत्म करने वाले आश्रम। इसके बाद भगवान ने कहा वीर से सहन वीर करके सहनशीलता से खत्म करने वाला आश्रय क्या है। भगवान बुद्ध ने बताया यहा भिक्षु वीर करके सहन करके खत्म करता है आश्रय क्या है। वो ज्ञान से मनन करके वीर करके बर्दाश्त करता है क्या। वो भिक्षु ठंडा को बर्दाश्त करता है, वीर करके ठंडा को बर्दाश्त करता है, गर्मी को बर्दाश्त करता है वीर करके, भूख को बर्दाश्त करता है, प्यास को
बर्दाश्त करता है, मक्की से मिलने वाले कास्ट को बर्दाश्त करता है, मच्छर से मिलने वाले कास्ट बर्दाश्त करता है, सांप से मिलने वाले कास्ट को बर्दाश्त करता है, और खराब खराब शब्द मिल जाता है, क्या है, डांट मिलता है, गाली मिलता है, वो सब भी बर्दाश्त करता है। और बहुत खतरा, बहुत खराब, बहुत बहुत खटुक, जो एक बूंदा प्रसन्न नहीं, उसी प्रकार शरीर पे मिलता है दर्द, थोड़ा बुखार लगना नहीं, पूरा हाथ पैर टूट जाता है तब दर्द मिलता है ना, वैसा दर्द भी क्या करता है, वीर्य करके बर्दाश्त करता है, चुपचाप बर्दाश्त करके रहता है, ये है वीर्य करके बर्दाश्त करके खत्म करने वाले आश्रम। देखिए अगर वीर नहीं है तो बहुत परेशान है ना, बर्दाश्त नहीं करेंगे तो धीरे धीरे घर में, आप लोग घर में ऐसा फैसिलिटी कुछ नहीं है, इधर आने के बाद देखते हैं और ठंडा चाहिए, इसी रूम मिल गया तो अच्छा है, और ऐसा नहीं, और थोड़ा सा फैसिलिटीज चाहिए, और अलग अलग टॉयलेट मिल गया तो अच्छा है, और कपड़ा धोने के लिए जगह ठीक नहीं है, नहाने के लिए मोटर चालू करना चाहिए, ठंडा पानी आता है, गर्मी लगता है, पंखा नहीं तो हम जी नहीं सकता, कैसे सोएंगे, गर्मी लगता है, ठंडा आ गया तो स्वेटर जैकेट चाहिए, नहीं तो नहीं जी सकता है, वो भी फर्स्ट क्लास का जैकेट, ये सब क्या है, आश्रम गंदगी, लेकिन सहनशीलता से हटाना चाहिए, क्या क्या कभी कभी मिलता है, आता है ठंडा, ठंडा को बर्दाश्त करना चाहिए, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो विमुक्ति का रास्ता पे नहीं जा सकता है, गर्मी आता है वो भी अब बर्दाश्त करी, आने वाली गर्मी, इसके बाद भूख आता है, रोता है बच्चा लोग रोता है, हमको बर्दाश्त नहीं कर सकते, भूख बर्दाश्त करने का हिम्मत नहीं, प्यास आता है, प्यास उत्पन्न होगा, किसी भी हालत में पानी पीना ही पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, नहीं तो जी नहीं सकता, ऐसा रहता है, लेकिन प्यास को बर्दाश्त करना चाहिए, और माँ की इधर बैठ जाते, इधर बैठता है, इधर बैठता है, इधर बैठता है, देख ले कहाँ कहाँ पागल, बहुत परेशान करते हैं माँ की, बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ध्यान करते समय बस एक माँ की, बस एक माँ की चाहिए पूरा ध्यान को तोड़ने के लिए, एक मच्छर को आपका पूरा दो घंटा का ध्यान खत्म कर सकते हैं, एक सेकंड में एक मच्छर आके, क्यों, सहनशीलता नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है, समझ गए ना। इसके बाद गाली क्रोध मिलता है भगवान, तो वो भी बर्दाश्त करना चाहिए, खराब शब्द सुनाई देता है, दूसरा लोग डांटता है, गंदी गंदी बात बोलता है, अपसेट हो जाते लोग, भगवान बुद्ध ने कहा वो भी बर्दाश्त करना चाहिए, सहन करना चाहिए, मिलने वाले सारे गाली डांट को बर्दाश्त करना चाहिए, और कभी कभी शरीर पे मिलता है बहुत खतरा दुख, सिर फटना जैसा आ जाएगा, शरीर छाती फटना जैसा आएगा, वो लोग चिल्लाएगा, शरीर का दर्द से ज्यादा इन लोग का चिल्लावट का दर्द ज्यादा है, इसीलिए भगवान बुद्ध ने बताया सहनशीलता से वीर करके बर्दाश्त करके खत्म करने वाले आश्रम यही है। इसके बाद उन्होंने कहा दिमाग इस्तेमाल करके छोड़ के जाने से बर्दाश्त करने वाले आश्रम भी हैं, दिमाग इस्तेमाल करके
हटा के छोड़ के जाने से बर्दाश्त करने वाले, हटा के छोड़ के जाने से खत्म करने वाले आश्रव क्या है, वो क्या है? यह भिक्षु अच्छा से दिमाग इस्तेमाल करके खतरा हाथी को छोड़ता है। इसका मतलब जहाँ खतरनाक हाथी है उसी एरिया पे जाता नहीं है। खतरा घोड़ा को छोड़ के चल जाता है। खतरा गाय बैल, कोई कोई बैल है ना उसी जगह का बैल बहुत खतरनाक, हम मैत्री करेंगे जाके बैल को, ऐसे जाएगा तो ढंग करके मार देगा, खत्म साढ़। खतरा कुत्ता को छोड़ देता है। खतरा सांप है तो उन लोग भी छोड़ देते। खतरा लाली है तो, और खाटा जंगल और प्रपात, प्रपात मतलब गिरने वाला जगह, गड्ढा और टॉयलेट गड्ढा, गंदगी पानी भरा हुआ गड्ढा इत्यादि चीज क्या करता है? वहाँ नहीं आता, दूर, वो सब हटा के रहता है, वो सब जगह पे नहीं जाता है। देखिए भगवान होता है ना, ऐसा जगह पे जाने से वो गंदगी उत्पन्न होता है, हम लोग पता नहीं क्यों। हम लोग सोचते हैं गंदगी की प्रकार का होता है, बहुत प्रकार का, अभी समझ गया ना, बहुत प्रकार का गंदगी है। भगवान बुद्ध ने बताया जो नहीं बैठना चाहिए वो ऐसा जगह पे जा बैठने गया तो सही नहीं है, वैसा जगह पे घूमने गया तो, पापी लोगों के साथ संगत में गया तो उसी के कारण ज्ञान बुद्धिमान लोगों से डांट मिलता है। इसीलिए वैसा जो सही नहीं है वैसा जगह पे नहीं बैठना चाहिए, सही नहीं वैसा जगह पे जाना नहीं चाहिए, सही नहीं वैसा जगह पे और वैसा पाप मित्र को संगत नहीं करना चाहिए। सही बात है ना। कभी कभी लोग, हम लोग अगर बीच में जाएगा तो बीच मतलब समुद्र किनारे लांटे लांटे लकड़िया लड़कियाँ हैं, सो देता है हम लोग को, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, सेफ नहीं ऐसा जगह पे जाके रहना। और पापी दोस्त मिलता है इधर उधर, शायद ट्यूशन मिलता है स्कूल में या फिर रास्ता पे बाजार में। नॉर्मली लोग अच्छा से कोई प्यार से कोई मिल गया तुरंत बातचीत करता है ना, मिल जाता है, मिलजुल के रहता है, संगत करता है, पता नहीं चलते गंदगी घुस जाता है। ऐसा चीज सब क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए, हटाना चाहिए। अभी आप समझ गए, अगर कोई इधर से कहेंगे तो रात में तुम जाओ इधर से, रात में खतरा है ना, भूत प्रेत लोग रहता है, भूत धर लिया तो शरीर पे फिर मरने दम तक प्रॉब्लम है उसको, फिर मरने दम तक पछताना पड़ेगा। अकाल में रात में इधर उधर घूमेंगे तो वो खतरा है ना, इसीलिए वो चीज दूर करना चाहिए। दूर करके खत्म करने वाले आश्रव कहता है इसको। समझ में आ गया? हटा के ज्ञान से मनन करके छोड़ के खत्म करने वाले आश्रव है ये। ऐसा होने के कारण भगवान बुद्ध ने बताया कई प्रकार की पीड़ा दुख तकलीफ दूर हो जाता ऐसे होने से। ये हरि से करना चाहिए। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया ज्ञान इस्तेमाल करके दूर करके खत्म करने वाले आश्रव क्या है। ये क्या है? या कोई बांते जी या भगवान बुद्ध के शिष्य का मन में काम विचार उत्पन्न हो गया तो, राग विचार उत्पन्न हो गया तो वो विचार को सहन नहीं करता है, दिमाग इस्तेमाल करके छोड़ देता है, दूर करता है, हटा देता है, एकदम खत्म कर देता है। कौन सा विचार? रागी विचार आता है मन में कभी कभी, आने के बाद उसको सहन नहीं करता है, पकड़ता नहीं है,
उसको दूर करता है, हटा देता है। जिस प्रकार हट जाते उसी प्रकार मनन करता है, यौन से मनसिकार है ना, उसको हटा देता है, एकदम खत्म होने तक यौन से मनसिकार करता है उसी विचार को, एक बूंदा भी रखता नहीं है। गुस्सा विचार उत्पन्न हो गया तब भी, कोई क्रोध विचार आ गया तब भी उसी क्रोध विचार को स्वीकार एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है। दिमाग इस्तेमाल करके वो क्रोध विचार को त्याग करता है, दूर करता है, हटा देता है, एकदम खत्म कर देता है, फिर वापस वही विचार नहीं आएगा। आप लोग अपने के बारे में सोच, ऐसा विचार आता है ना, गुस्सा विचार, क्रोध विचार, मनन करना चाहिए। भगवान ने कहा खड़ा होते रहते समय, गुम गुम रहते समय कोई राग विचार उत्पन्न हो गया तो खड़ा होते ही वो खत्म करके बैठना चाहिए, राग विचार के साथ नहीं बैठना चाहिए। गुस्सा विचार उत्पन्न हो गया तो बैठ के रहते समय गुस्सा विचार खत्म करके ही उठना चाहिए, नहीं तो नहीं उठना चाहिए। क्यों? गुस्सा विचार के साथ उठ गया तो भूल जाता है उसको मिटाने के बारे में, फिर उसको बैठ गया अंदर, मिटाना भूल गया, फिर बाद में आ जाता है। क्यों? अंदर है उसका, उसका जड़। कितना खूबसूरत है ना, एक सुंदर उपदेश में भगवान होते हैं। इसका हिंसा विचार उत्पन्न होता है, दूसरों को हिंसा पीड़ा करने वाले विचार उत्पन्न होता है, दूसरों को तकलीफ देने वाले विचार उत्पन्न होता है। ऐसा विचार आ गया तो वो ऐसे स्वीकार नहीं करता है, ज्ञान इस्तेमाल करके छोड़ देता है, दूर करता है, हटा देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। इसी प्रकार मन में उत्पन्न होने वाले हर एक पापी विचार, अकुशल विचार को बर्दाश्त नहीं करता है, अकुशल विचार को दूर करता है, हटा देता है, खत्म कर देता है, कुशल विचार को अपनाता है। ये सब ज्ञान इस्तेमाल करके दूर नहीं करेगा तो बहुत पीड़ा, प्रश्न, तकलीफ, आश्रय उत्पन्न होता है। इसीलिए ज्ञान इस्तेमाल करके दूर करना चाहिए, ऐसा आश्रय दूर करने से सारे तकलीफ दुख परेशान खत्म हो जाते हैं, इसी प्रकार का दुख परेशान खत्म हो जाता है। समझ में आ गया? अभी अंतिम भगवान ने बताया इसको, बहुत समझना चाहिए आप लोग की, कभी कभी आप लोग अपसेट होता है ना, दुख हो जाता है, वो पापी विचार है। कभी कोई डांट दिया तो दुख हो जाता है, पापी विचार है। कभी कभी आप घर से डांट सुनने को आते हैं, कहीं परेशान आ गए, पापी विचार है। झुंड से मनसिकार करके हटाना चाहिए, खत्म करना, किसी भी हालत से खत्म करना चाहिए। आप अभी जानते ही होंगे मनसिकार, और बोलना जरूरत नहीं आपके लिए, क्योंकि आप जानते हैं कैसे योनि से मनसिकार करना है, आप करना बाकी है अभी। क्यों? बहुत कुछ ज्ञान सुने हैं ना अभी तक। समत विपस्सना भावना से खत्म करने वाले आश्रय क्या है? यहाँ भिक्षु दिमाग इस्तेमाल करके योनि से मनसिकार से समत विपस्सना से समाधि उत्पन्न होता है, चित्त विवेक उत्पन्न कर देता है। विपस्सना प्रज्ञा से मन विरागी होता है, तृष्णा खत्म हो जाता है, निर्वाण पे लग जाता है। उसी समय उसका मन बहुत बलवान होता है। विपस्सना ध्यान करते समय मन बहुत बलवान होता है, मन में बंधन, गंदगी क्या होता है, हट जाता है, संपूर्ण रूप से नहीं बल्कि उसी समय हट गया, मन एकदम पवित्र है विपस्सना से। उसी समय मन किसी पे आसक्त नहीं होता, राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं। उसी समय मन
बहुत बलवंत होता है। बहुत मन बलवंत होने के बाद वो रहता है सती संबोध्यंग पे। अब सती संबोध्यंग समझ में आ गया? सती संबोध्यंग मतलब क्या है? समत विपस्सना ध्यान से समाधि पाता है। समत्या विपस्सना समाधि मिलता है। समाधि मिलने के बाद चित्त विवेक उत्पन्न होता है। चित्त विवेक उत्पन्न होने पर विपस्सना को मनन करने से उनका मन में विराग उत्पन्न होता है। ऐसा विपस्सना ध्यान करने से क्या होता है? अपोध से, जान से ही विरागी होता है, राग हट जाता है, तृष्णा निरोध होता है, निर्वाण पे लग जाता है। उसी समय मन बहुत बलवंत होता है, बहुत पावर होता है मन। वो क्या है? सती संबोध्यंग। उसी प्रकार विपस्सना ध्यान, समतया विपस्सना ध्यान करके मन समाधि में आने के बाद, मन शांत होने के बाद वो विपस्सना ध्यान करता है। विपस्सना ध्यान करके मन विरागी होता है, तृष्णा खत्म करने की रास्ता पे मन आ जाता है, निर्वाण पे मन आ जाता है। उसी समय वो त्रिलक्षण अनित्य दुख अनात्म को मनन करने से, अनित्य दुख अनात्म को समझने से उनका पास बहुत बढ़ता है, वो बढ़ाता है धम्म विचय संबोध्यंग। धम्म विचय संबोध, धम्म विचय मतलब उसी प्रकार समति उपासना करके मन शांत होने के बाद, इसके बाद मन विरागी हो, विरागी होने की रास्ता पे आने के बाद, तृष्णा को खत्म करने रास्ता पे आने के बाद, निर्वाण की रास्ता पे मन आने के बाद अनित्य दुखानात्म को मनन करता है, वो ही धम्म विचय संबोध्यंग बढ़ाता है। समझ में गया? समझ में आ गया? उसी प्रकार समत विपस्सना समाधि पाके चित्त विवेक उत्पन्न होने के बाद विपस्सना शुरू कर देता है। विपस्सना से मन विरागी होता है, तृष्णा निरोध होता है, निर्वाण पे लग जाता है। अर्हत नहीं है, लेकिन विपस्सना से मन एकदम अनासक्त होते रहता है। उसी जगह पे वो बहुत बड़ा वीर करता है, उसी जगह पे उसका मन बहुत बलवंत वीर में आ जाता है। उसी समय पे ऐसा वीर करते समय वो बढ़ाता है, प्रैक्टिस करता है वीर्य संबोध्यंग। वीर्य संबोध्यंग समझ में आ गया ना? सुर से आना चाहिए, उसी कारण आना चाहिए, तब वीर्य संबोध्यंग होता है। इसके बाद इसी प्रकार समाधि पा करके विपस्सना ध्यान करके मन अनासक्त होते समय एकदम मन होश में है, सती में है। इसके बाद वो त्रिलक्षण मनन करता है, धम्म विचय है, वीर भी करता है। इसके बाद बहुत बड़ा प्रीति उत्पन्न होता है, खुशी प्रीति उत्पन्न होता है। ये प्रीति बहुत बलवंत होता है, बहुत पावर, एकदम अच्छे से पता चलता है प्रीति। उसी समय वो बढ़ाता है प्रीति संबोध्यंग। इस प्रकार समत एवं विपस्सना ध्यान करके समाधि पाके चित्त विवेक से विपस्सना ध्यान करने की विपस्सना प्रज्ञा से वो विरागी होने के लिए मन लगाता है, तृष्णा खत्म होने के लिए मन लगाता है, निर्वाण के लिए मन लगाता है। उस समय उसका मन बहुत बलवंत होता है, साथी बहुत बलवंत होता है। इसके बाद अनित्य दुखानात्म कर मनन करने से धम्म विचय बलवंत होता है। इसके बाद बहुत बलवंत वीर्य करने से वीर्य बढ़ता है, प्रीति उत्पन्न होता है। प्रीति उत्पन्न होने के बाद शरीर एवं मन बहुत हल्का होता है,
शारीरिक सुख मानसिक सुख मिलता है एकदम हल्का, रुई जैसा लगेगा शरीर एवं मन, वो बलवंत करता है। वो कारण बलवंत करते समय वो बढ़ाता है पश्चाद्धि संबुद्ध्यंग, पश्चाद्धि संबुद्ध्यंग। इसी प्रकार समाध एवं विपस्सना ध्यान से चित्त एकाग्र, चित्त मन शांत करके वो मनन करने से विपस्सना प्रज्ञा से विरागी होने के बाद, कृष्णा निरोध होने के बाद, निर्वाण पे लगने के बाद, उसी समय बहुत बलवंत सती उत्पन्न होता है, होश में आ जाता है, सती संबुद्ध जाएंगे, ईश्वर अनित्य दुख का नाथ समझता है, मनन करता है, धम्म विचय बलवान, वीर्य बढ़ाता है, वीर्य संबुद्ध जाएंगे, बहुत बलवान प्रीति उत्पन्न होता है, प्रीति संबुद्ध जाएंगे, शारीरिक मानसिक हल्का सुख मिलता है, पश्चाद्धि संबुद्ध जाएंगे। ऐसे होने के बाद उनको समाधि उत्पन्न होता है। उसी कारणों से समाधि बलवान होने के बाद, बहुत बलवान होने के बाद वो समाधि संबुद्ध्यंग को बढ़ाता है, वो ज्ञान से मनन करके समाधि बढ़ाता है, चित्त विवेक उत्पन्न होता है, विदर्शना प्रज्ञा। इसी प्रकार चित्त विपस्सना, विपस्सना चित्त विवेक उत्पन्न होने से उत्पन्न होता है। इसके बाद विपस्सना प्रज्ञा से ज्ञान से वो विरागी होता है, अनासक्त होता है, निर्वाण पे लग जाता है। उसी समय बलवान उपेक्षा उत्पन्न होता है। उपेक्षा मतलब आसक्त भी नहीं, घृणा भी नहीं, राग भी नहीं, क्रोध भी नहीं, उपेक्षा, वही है उपेक्षा संबुद्ध्यंग। नौमी लोक उत्पुप ये सप्त संबुद्ध्यंग उत्पन्न नहीं होता है, ये सप्त बुद्ध्यंग उत्पन्न होता है समत विपस्सना दोनों करने वाले लोगों को, वीर्यवान लोगों को उत्पन्न होता है। जिस प्रकार ये बुद्ध्यंग भावना नहीं करेगा तो बहुत सारे पीड़ा, तकलीफ, दुख, दर्द, वेदना उत्पन्न होता है। वो सारे दुख, दर्द, वेदना बुद्ध्यंग धर्म भावना से खत्म हो जाता है। इसीलिए कहता है ये है समत विपस्सना ध्यान से बुद्ध्यंग भावना से खत्म करने वाले आश्रव। ऐसे करके भगवान बुद्ध ने बताया, जिस समय भिक्षु जो कोई आश्रव दर्शन से खत्म करना चाहिए, वो दर्शन से खत्म हो गया तो कोई कोई आश्रव शांत होने से खत्म होना है, वो शांत होने से खत्म करेगा तो जो कोई आश्रव दिमाग इस्तेमाल करके, हाँ वीर करके खत्म करना है तो वही आश्रव खत्म है। तो इस्तेमाल करके हटाने वाला आश्रम है तो आश्रम भी खत्म हो गया। तो वीर से सहनशीलता खत्म करने वाला आश्रम ऐसे खत्म कर दिया तो दिमाग इस्तेमाल करके हटाने से खत्म करने वाला आश्रम भी खत्म हो गया। तो जो कोई आश्रम दूर करके खत्म करने वाला आश्रय है वो भी खत्म कर दिया। तो जो कोई आश्रम बुद्ध्यंग धर्म से खत्म होने वाला आश्रम खत्म हो गया तो वही व्यक्ति को कहता है हर एक प्रकार की आश्रव से शांत हो गया है, तृष्णा तोड़ दिया है, हर एक बंधन को पार कर दिया है, घमंड मान खत्म कर दिया है, परिपूर्ण अवबोध में आकर के हर एक दुख खत्म कर दिया है। भगवान बुद्ध ये सुंदर सब्बासव सूत्र उपदेश दे दिया, भांति लोग ये सब्बास सूत्र बहुत प्यार से स्वीकार किया है। देखिए ये सब्बास सूत्र बहुत अच्छा है ना, हर एक प्रकार का कारण है, इसलिए हम थोड़ा लंबा करके छोटा करके आप लोग को बताए थे। आप लोग ये सूत्र को अच्छा से समझ लीजिए और सुन के, इसको समझना चाहिए और सुन के समझना चाहिए, समझ के आप लोग इसी प्रकार रहने के लिए कोशिश करी मरने दम तक। मुश्किल है लेकिन सही चीज़ है, बहुत
अच्छा लगेगा आप लोग को, खुशी से रह पाएगा। आप समझ गए एक बात, इस दुनिया में ब्रह्मांड में कोई अगर खुशी से रह गया तो वो व्यक्ति कौन है? जो भगवान बुद्ध की ज्ञान के अनुसार जीवन बिताते वही है, उसको कोई तकलीफ टेंशन है ही नहीं। देखिए कितना सुंदर बात है ना, इसीलिए सभी लोगों को इसी ज्ञान के अनुसार सारे